न्यायालय का हुआ पुनर्निर्माण नियमों के आधार पर भवन का दिया जाएगा शुल्क। राहुल गांधी के पब वाले वीडियो पर सारंग की बयानबाजी का राहुल विदेश योग नहीं भोग करने जाते हैं, नेहरू परिवार से मिली है संस्कृति। सीहोर में अचानक बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद, फसल सुरक्षा को लेकर अधिकारी रहे अनजान, हर साल इस मौसम में भीगते हैं गेहूं। कोरबा में अक्षय तृतीया पर मनाया गया माटी पूजन दिवस, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए की गई प्रार्थना, साथ ही सीएम के संदेश का किया गया वाचन। कांकेर पुलिस ने चोरी के मामले में की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही 1,20,000 रुपए भी किए जब्त। नमस्कार, मैं हूं वरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिक्त आरटीओ भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत संगठन के महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। वहीं अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी के पुनर्निर्माण भवन को लेकर निर्णय हो गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के आधार पर भवन का शुल्क दिया जाएगा, जिसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जो निर्णय किया है कि हमारा जो कार्यालय है प्रदेश कार्यालय को हम अपने नए भवन के तौर पर आज के समय के अनुरूप उसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। और हमने एक एप्लीकेशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए किराए पर हमें भवन चाहिए, तो ये जो आरटीओ भवन है हमको सरकार से ऑफिशियली हमने जो एप्लीकेशन किया था उस पर जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी है और उसको जो नॉर्म्स हैं उसके तहत किराए से ये भवन हमें उपलब्ध होगा और उसकी तैयारी भी हो गई है और हमें वो किराए से भवन ये मिल गया है, इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग इसका यहाँ पर इसको देखने के लिए आए थे कि क्या है कैसा है। तो अब इसमें जल्दी ही हमें ऑफिशियली वो हैंड ओवर कर देंगे, बाकी ऑर्डर इसके हो गए और किराए पर ही भवन हमें मिला है। अक्षय तृतीया को पूरे छत्तीसगढ़ सहित कोरबा जिले में माटी दिवस पूजन के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन कर माटी पूजन किया गया, साथ ही आगामी खरीफ सीजन में फसल के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना की। वहीं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जैविक खाद समेत गौमूत्र के उपयोग हेतु जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। कांकेर के आमा बेड़ा पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी की करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सनसनी खुलासा एसपी शैलभ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित पेट्रोल पंप से नकदी पैसा लेकर अपने मकान में रखे हुए था और ग्राहक सेवा केंद्र में गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपये जब्त किए हैं। 1 मई 2022 को आमा बेड़ा कि एक आकाश पासवान है, उनके घर से 1,20,000 रुपये की चोरी हो गई है। ये ग्राहक सुविधा केंद्र इनका रहता था और ये अक्सर अपने पास कैश पैसे रखते थे ताकि जो भी उनके पास ग्राहक आते थे उनको कैश का डिस्पोजल करते थे। उन्होंने सूचना दी कि इनके लॉकर को तोड़ करके किसी ने 1,20,000 रुपये नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलने पर तत्काल FIR दर्ज किया गया और हमारी आमा बेड़ा थाने की टीम और साइबर सेल की टीम DSP चित्रा वर्मा और अनुराग झा के निर्देशन में तत्काल कार्य पर लग गए और मुखबिर से सूचना और अन्य लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में कुछ सस्पेक्ट्स के ऊपर डाउट है तो उनको हम लोगों ने हिरासत में लेकर के पूछताछ चालू की।
बीनागंज की ब्राह्मण धर्मशाला में परशुराम जयंती मनाई गई। वहीं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बीनागंज नगर में सभी ब्राह्मण समाज ने मिलकर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि 8 तारीख को भगवान परशुराम का विशाल समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर समाज बंधु और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जाएगा। परशुराम के जन्मोत्सव के समय पे हम लोगों ने परशुराम भगवान की पूजन अर्चन की, अभिषेक किया एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रसाद वितरण हुआ। दिनांक 8 मई रविवार को भव्य चंद समारोह निकाला जाएगा एवं भोजन प्रसादी होगी, अतिथियों का सत्कार होगा, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान होगा एवं जो हमारे समाज के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका भी सम्मान करने का इस बार विचार बन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, जहां वो इमली बाजार स्थित ईद के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जब मुस्लिम समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईद का पर्व भाईचारा और सौहार्द का पर्व है, जिसे सभी को बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसी अराजकता फैली है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग उन्होंने की है। आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इन लोगों में प्रेम सद्भाव का जो माहौल खराब कर रहा है उसे नहीं सुधार पा रहा है। क्या कारण है कि उस दिन रात कर्फ्यू का एक तरफ जो कहीं जुलूस निकला जिसमें मुसलमानों ने भी अपने इस रामनवमी के जुलूस को पानी भी पिलाया, शरबत नहीं पिलाए और सब शांतिपूर्ण 12:30 एक डेढ़ बजे निपट गया। फिर दूसरा जुलूस 2:30 बजे निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर फिर मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए, कौन इसके लिए जवाबदार है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसने माहौल बिगाड़ा, जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। महासमुंद जिले के पिथौरा में ईद उल फितर के मौके पर खेल मैदान स्थित ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़कर देश में अमन चैन और शांति के लिए दुआ की। साथ ही इस मौके पर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अंबिकापुर शहर में सर्व ब्राह्मण समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें रथ पर सवार भगवान परशुराम का रूप धारण किया गया। आपको बता दें कि यात्रा गांधी चौक के दुर्गा मंदिर से निकलकर बोरीपारा स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंची। इस दौरान लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज बड़े उल्लास के साथ मना रहा है और हम सब पूरे अंबिकापुर नगर के और आसपास के लोग एकत्रित होके माँ दुर्गा जी के स्थान पे हम लोग सब एकत्रित हुए और वहाँ से हमारा शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के मूर्ति के रूप में आगे निकल रहा है और उसके पीछे पीछे पूरे नगर के ब्राह्मण जन विद्वत जन सब लाइन से चल रहे हैं और जगह जगह पे सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान परशुराम की अपार कृपा है, देखिए प्रकृति में भी उनका कितना बड़ा पकड़ है कि आज इतना धूप था, इतनी गर्मी थी और उसको भगवान राम परशुराम ने उसको भी शांत किया
और इसी तरह भगवान सब परशुराम सबका कल्याण करें, उसी उद्देश्य को लेके भगवान परशुराम का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। शुजालपुर के गांव मंगरोला में बैस राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए और सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही सभी जोड़ों को दीवार घड़ियां भेंट कर दी। आपको बता दें, इस सम्मेलन में कुल 111 जोड़े शादी के प्रणय सूत्र में बंधे। समिति को, समाज के सभी लोगों को बधाई है, शुभकामना है कि आपने तो इस स्थान को जिस रूप में विकसित करने का जो निर्णय किया है, लगातार वो अच्छा होता जा रहा है। आज जिस के कारण से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिसमें जो हमारे वर वधु आज से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, अपने दांपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक नए जीवन की शुरुआत भी है, लेकिन सामूहिकता का भाव भी सम्मेलन से वो लेकर जाएंगे। समाज में सामूहिकता का भाव एक नए संस्कार को सबको देता है, क्योंकि समाज है ना सामूहिकता। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो सामूहिकता के भाव से कार्य करते हैं, उन कार्यों में सफलता मिलती है। सरदारपुर के राजगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवनियुक्त अध्यक्ष सोहन पटेल का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वागत वाहन रैली निकाली, इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने पुष्पहार से स्वागत सम्मान किया, साथ ही अनेक स्थानों पर जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। शुजालपुर में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती को ब्राह्मण समाज जनों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। वीर हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विप्रजनों ने भगवान के छठे अवतार और अपने आराध्य देव भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना कर देश में शांति, समृद्धि और प्रगति की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा, 6 मई को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।